हेलो भाई लोग। तो आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड और उसके मीनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अबोर्ड। अबोर्ड का मीनिंग होता है रेलगाड़ी, जहाज, विमान या बस पर सवार। अबोर्ड, ABOARD। अबोर्ड का मीनिंग होता है रेलगाड़ी, जहाज, विमान या बस पर सवार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड, ABOD। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है घर, आवास या निवास स्थान। ABOD। अबोर्ड का मतलब होता है घर, आवास या निवास स्थान। उसके बाद है नेक्स्ट अबॉलिश, ABOLISH। अबॉलिश, अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। अबॉलिश, ABOLISH। अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। उसके बाद है अबॉलिशन, ABOLITION। अबॉलिशन, ABOLITION। अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की कार्य। ABOLITION। अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का कार्य। उसके बाद है एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ABOMINABLE, ABOMINABLE। अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। ABOMINABLE, अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। अगला वर्ड है अबॉर्जिन, ABORIGINE। अबॉर्जिन, अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। ABORIGINE, अबॉर्जिन, अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। नेक्स्ट है अबॉर्टिव, ABORTIVE। अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, ABORTIVE। अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। नेक्स्ट है अबाउंड, ABOUND। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउंड, ABOUND। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउट टर्न, ABOUT और टर्न, TURN। अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार, योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अबाउट टर्न, ABOUT TURN। अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार, योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अगला है अबव मेंशन्ड, अबव मेंशन्ड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। अबव मेंशन्ड, ABOVEMETION। अबव मेंशन्ड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। नेक्स्ट है अब्रेशन, ABRASION। अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुरदरी वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेशन, ABRASION। अब्रेशन का मीनिंग होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुरदरी वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेसिव, ABRASIVE। अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार। अब्रेसिव, ABRASIVE। अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार। अब्रिस्ट, अब्रिस्ट, ABRESTED। अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोग या वस्तुओं का अलग अलग बलग या ठीक आगे पीछे। एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिस्ट, ABRESTED। अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिज, ABRIDGE। अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन को संक्षिप्त करना। अब्रिज, ABRIDGE। अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन जो कि प्रायः पुस्तक में होता है उसे संक्षिप्त करना। एब्रप्ट, ABRUPT। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। अब्रप्ट, ABRUPT। अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। एब्सेस, ABSCESS। एब्सेस का मतलब होता है व्रण या किसी शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सेस, ABSCESS। एब्सेस का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सकॉन्ड, ABSCOND। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सील, ABSEIL। एब्सील का मतलब होता है
रस्सी से बांधकर और पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सील ABSEIL का मतलब होता है रस्सी से बांधकर पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सेंट माइंडेड ABSENTMINDED एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। ABSOLUTE एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्व ABSOLVE एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध पाप या उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सोल्व ABSOLVE एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध पाप उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सटेन ABSTAIN एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। ABSTAIN एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। एब्सटेनर ABSTAINER एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति। ABSTAINER एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति। हेलो भाई लोग, तो आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड और उसके मीनिंग, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अबोर्ड। अबोर्ड का मीनिंग होता है रेलगाड़ी जहाज विमान या बस पर सवार। अबोर्ड ABOARD अबोर्ड का मीनिंग होता है रेलगाड़ी जहाज विमान या बस पर सवार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड ABOD अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर आवास या निवास स्थान। ABOD अबोर्ड का मतलब होता है घर आवास या निवास स्थान। उसके बाद है नेक्स्ट अबॉलिश ABOLISH अबॉलिश। अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। अबॉलिश ABOLISH अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। उसके बाद है अबॉलिशन ABOLITION अबॉलिशन ABOLITION अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की कार्य। ABOLITION अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का कार्य। उसके बाद है अबोमिनेबल ABOMINABLE ABOMINABLE अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। ABOMINABLE अबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। अगला वर्ड है अबॉर्जिन ABORIGINE अबॉर्जिन। अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। ABORIGINE अबॉर्जिन। अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। नेक्स्ट है अबॉर्टिव ABORTIVE अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। ABORTIVE अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। नेक्स्ट है अबाउंड ABOUND अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउंड ABOUND अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउट टर्न ABOUT और टर्न TURN अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अबाउट टर्न ABOUT TURN अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अगला है अबव मेंशन्ड। अबव मेंशन्ड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। अबव मेंशन्ड ABOVEMETIONED अबव मेंशन्ड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। नेक्स्ट है अब्रेशन ABRASION अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुजली वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेशन ABRASION अब्रेशन का मीनिंग होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुजली वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेसिव ABRASIVE अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार। अब्रेसिव ABRASIVE अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार।
अब्रिस्ट, अब्रिस्ट ए बी आर ई ए एस टी, अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोग या वस्तुओं का अलग अलग बलग या ठीक आगे पीछे। एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिस्ट ए बी आर ई ए एस टी अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिज ए बी आर आई डी जी जी ई अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन को संक्षिप्त करना। अब्रिज ए बी आर आई डी ई जी ई अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन जो कि प्रायः पुस्तक में होता है उसे संक्षिप्त करना। एब्रप्ट ए बी आर यू पी टी एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। अब्रप्ट ए बी आर यू पी टी अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। एब्सेस ए बी एस सी ई डबल एस एब्सेस का मतलब होता है व्रण या किसी शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सेस ए बी एस सी ई डबल एस एब्सेस का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सकॉन्ड ए बी एस सी ओ एन डी एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सकॉन्ड एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सील ए बी एस ई आई एल एब्सील का मतलब होता है रस्सी से बांधकर और पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सील ए बी एस ई आई एल का मतलब होता है रस्सी से बांधकर पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सेंट माइंडेड ए बी एस ई एन टी एम आई एन डी ई डी एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। ए बी एस ओ एल यू टी ई एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्व ए बी एस ओ एल वी एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध पाप या उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सोल्व एफ बी एस ओ एल वी एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध पाप उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सटेन ए बी एस टी ए आई एन एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। ए बी एस टी ए आई एन एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। एब्सटेनर ए बी एस टी ए आई एन ई आर एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति। ए बी एस टी ए आई एन ई आर एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति। हेलो भाई लोग, तो आज हम सीखेंगे कुछ वर्ड और उसके मीनिंग, तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास अबोर्ड। अबोर्ड का मीनिंग होता है ए रेलगाड़ी जहाज विमान या बस पर सवार। अबोर्ड ए बी ओ ए आर डी अबोर्ड का मीनिंग होता है रेलगाड़ी जहाज विमान या बस पर सवार। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अबोर्ड ए बी ओ डी अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर आवास या निवास स्थान। ए बी ओ डी अबोर्ड का मतलब होता है घर आवास या निवास स्थान। उसके बाद है नेक्स्ट अबॉलिश ए बी ओ एल आई एस एच अबॉलिश। अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। अबॉलिश ए बी ओ एल आई एस एच अबॉलिश का मीनिंग होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करना। उसके बाद है अबॉलिशन ए बी ओ एल आई टी आई ओ एन अबॉलिशन ए बी ओ एल आई टी आई ओ एन अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की कार्य। ए बी ओ एल आई टी आई ओ एन अबॉलिशन का मतलब होता है किसी कानून या प्रथा को आधिकारिक रूप से समाप्त करने का कार्य। उसके बाद है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल ए बी ओ एम आई एन ए बी एल ई ए बी ओ एन एम आई एन ए बी एल ई एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। ए बी ओ एम आई एन ए बी एल ई एबोमिनेबल का मतलब होता है बहुत बुरा या घिनौना। अगला वर्ड है अबॉर्जिन ए बी ओ आर आई जी आई एन ई अबॉर्जिन। अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य। ए बी ओ आर आई जी आई एन ई अबॉर्जिन। अबॉर्जिन का मतलब होता है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाति का सदस्य।
नेक्स्ट है अबॉर्टिव, ए बी ओ आर टी आई वी, अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल, ए बी ओ आर टी आई वी ई, अबॉर्टिव का मतलब होता है निष्फल। नेक्स्ट है अबाउंड, ए बी ओ यू एन डी, अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउंड, ए बी ओ यू एन डी, अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान होना। नेक्स्ट है अबाउट टर्न, ए बी ओ यू टी और टर्न, टी ओ आर एन, अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार, योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अबाउट टर्न, ए बी ओ यू टी टी यू आर एन, अबाउट टर्न का मतलब होता है किसी विचार, योजना या व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन। अगला है अबव मेंशनड, अबव मेंशनड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। अबव मेंशनड, ए बी ओ वी ई एम ई टी आई ओ एन ई डी, अबव मेंशनड का मतलब होता है पत्र या पुस्तक में पूर्व निर्दिष्ट। नेक्स्ट है अब्रेशन, ए बी आर ए एस आई ओ एन, अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुजली वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेशन, ए बी आर ए एस आई ओ एन, अब्रेशन का मीनिंग होता है त्वचा का वह भाग जो किसी बड़ी या खुरदरी वस्तु से रगड़ खाकर क्षतिग्रस्त हो गया हो। अब्रेसिव, ए बी आर ए एस आई वी ई, अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार। अब्रेसिव, ए बी आर ए एस आई वी ई, अब्रेसिव का मतलब होता है खुरदरा या खरोचदार। अब्रिस्ट, अब्रिस्ट, ए बी आर ई ए एस टी, अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोग या वस्तुओं का अलग अलग बलग या ठीक आगे पीछे। एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिस्ट, ए बी आर ई ए एस टी, अब्रिस्ट का मतलब होता है एक ही दिशा में जाने वाले लोगों या वस्तुओं के अगल बगल या ठीक आगे पीछे। अब्रिज, ए बी आर आई डी जी जी ई, अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन को संक्षिप्त करना। अब्रिज, ए बी आर आई डी ई जी ई, अब्रिज का मतलब होता है किसी कथन जो कि प्रायः पुस्तक में होता है उसे संक्षिप्त करना। एब्रप्ट, ए बी आर यू पी टी, एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। अब्रप्ट, ए बी आर यू पी टी, अब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक और अप्रत्याशित। एब्सेस, ए बी एस सी ई डबल एस, एब्सेस का मतलब होता है व्रण या किसी शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सेस, ए बी एस सी ई डबल एस, एब्सेस का मतलब होता है शरीर के किसी भाग में मादव भरा फोड़ा। एब्सकॉन्ड, ए बी एस सी ओ एन डी, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है किसी स्थान से फरार होना या प्रपलायन होना। एब्सील, ए बी एस ई आई एल, एब्सील का मतलब होता है रस्सी से बांधकर और पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सील, ए बी एस ई आई एल का मतलब होता है रस्सी से बांधकर पैरों को चट्टान पर टिकाते हुए सीधी खड़ी चट्टान से नीचे उतरना। एब्सेंट माइंडेड, ए बी एस ई एन टी एम आई एन डी ई डी, एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कर या खोया खोया। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, समूचा या संपूर्ण। ए बी एस ओ एल यू टी ई, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, समूचा या संपूर्ण। एब्सोल्व, ए बी एस ओ एल वी, एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध, पाप या उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सोल्व, एफ बी एस ओ एल वी, एब्सोल्व का मतलब होता है अपराध, पाप, उत्तरदायित्व आदि से मुक्त करना। एब्सटेन, ए बी एस टी ए आई एन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। ए बी एस टी ए आई एन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या अपने को संयम में रखना। एब्सटेनर, ए बी एस टी ए आई एन ई आर, एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति। ए बी एस टी ए आई एन ई आर, एब्सटेनर का मतलब होता है मतदान में मत न देने वाला व्यक्ति।